गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नाउ वी स्टार्ट विद पॉलिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। हमने बेल्जियम का मॉडल कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था बेल्जियम का मॉडल, ठीक है? आप उसको पिछले लेक्चर में जाके बना लें। मैं आज लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा कि क्या ओरिजिनली चीजें थी। ध्यान रखना, हमारे पास दो मॉडल हैं, एक बेल्जियम का मॉडल है और एक हमारे पास श्रीलंका की स्थिति है, ठीक है? आप इस चीज को अच्छे से कंपेयर करें। कल हम श्रीलंका का मॉडल लिखेंगे अच्छे से, लेकिन आज सिर्फ आपको कंपेयर करना है बेल्जियम के मॉडल को और श्रीलंका के मॉडल को। देखो, बेल्जियम में 59% डच थे, लेकिन 40% क्या थे? 40% थे फ्रेंच, ठीक है? लेकिन अगर मैं श्रीलंका में देखूं तो 74% सिंहली थे और 18% तमिल थे। 18% तमिल थे, उसमें भी 13% जो थे वो श्रीलंका मूल के तमिल, और ये कितने बचे? 5% भारतीय मूल के। तो ये बात याद रखें। अब ये देखिए, यहां पर बहुसंख्यक कौन थे? बहुसंख्यक कौन थे? डच। यहां पे बहुसंख्यक थे भाई, साफ दिख रहा है सिंहली। तो एक ही बात में अगर मैं अंतर खत्म करूं कि बेल्जियम में बहुसंख्यकवाद नहीं अपनाया गया, लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया। बहुत बड़ी बात है भाई, यही सबसे बड़ा अंतर है। कभी भी अगर अंतर आ जाता है आपका कि बेल्जियम और श्रीलंकाई मॉडल में आप एक अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बड़ा आसान सा हमारे सामने अंतर है। आप लिखोगे क्या? बेल्जियम में 59% डच थे, 40% ये थे, 74% ये थे। बहुसंख्यक कौन थे? डच। यहां बहुसंख्यक कौन थे? सिंहली। लेकिन सबसे मुख्य बात कि बेल्जियम ने बहुसंख्यकवाद को नहीं अपनाया था, लेकिन श्रीलंका ने किसको अपनाया था? बहुसंख्यकवाद को अपनाया था। तो यह सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया, लेकिन बेल्जियम ने किसको नहीं अपनाया? वही बहुसंख्यकवाद को नहीं अपनाया। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो कि बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर अगर आ जाए आपका, बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। एक और बात इसमें क्या लिखोगे? बेल्जियम में कभी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। चौथा पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हो वो क्या लिख सकते हो कि बेल्जियम में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और यहां क्या हुआ था? गृह युद्ध बहुत ही
अधिक हुए, बहुत ही अधिक हुए। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ग्रह युद्ध बहुत ही अधिक हुए। अब मैं यहां से दो टर्म लेके चलूंगा कि बहुसंख्यक वाद क्या है और ग्रह युद्ध क्या है। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से समझना है। और श्रीलंका का जो शुरुआती है, शुरुआत आप कर दोगे आज, शुरुआत में जितनी लाइनें लिखवानी है मैं लिखवा दूंगा दो चार, उसके बाद कल हम उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको इतनी बातें तो अब क्लियर हो गई कि श्रीलंका और बेल्जियम में वास्तविकता क्या थी, कि जो श्रीलंका के लोग थे, देखो बेल्जियम के लोगों को या नेताओं ने इतना अच्छा कार्य किया कि उन्होंने हर व्यक्ति को बेगानापन अनुभव नहीं होने दिया, लेकिन श्रीलंका में जो तमिल थे वो अपने आप को बेगाना समझने लगे, क्योंकि उनको जो अधिकार था उनसे वंचित रखा गया। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था, आपने देखा मंत्रियों की संख्या आदि आदि कर दी गई थी, सामुदायिक सरकारें भी बना दी गई थी, केंद्र में भी मंत्रियों की संख्या आदि आदि रखी गई थी। सिंपल तरीके से अगर कभी भी बोलना है तो केंद्र में भी क्या था, सबका प्रतिनिधित्व आधा आधा था, ठीक है, और जो राज्य सरकारों को शक्तियां देती थी उसके अंदर कौन नहीं बोलता था, केंद्र सरकारें नहीं बोलती थी, केंद्र सरकारें कभी भी नहीं बोलती थी। अब आप यहां से दो चीज समझोगे कि क्या है वो, ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। अगर आप देखोगे कि बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बहुसंख्यकवाद क्या है, एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसी कल्पना या संरचना, एक ऐसी संरचना है जिसमें बहुसंख्यक लोग देश पर अपना पूरा आधिपत्य कर लेते हैं, अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी संरचना लगा लो, एक ऐसी कल्पना लगा लो, एक ऐसी सोच लगा लो, ठीक है, तो ये कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। एक ऐसी संरचना है यार जिसमें बहुसंख्यक लोग देश पर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, देश पर पूरा अधिकार जमाने का क्या मतलब होता है, कि मतलब अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं दिया जाता। मतलब बहुसंख्यकवाद में क्या होगा, अल्पसंख्यक को या उनके अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाएगा। याद रखना भाई, इसमें बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि बहुसंख्यकवाद क्या है क्या नहीं, जिसमें बहुसंख्यक लोग देश पर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, बहुसंख्यक जो ज्यादा हैं, अल्पसंख्यक जो कम है, अभी भी आप देख रहे हो कि अल्पसंख्यक प्रवासी मजदूर हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अल्पसंख्यक जो कम संख्या में है, बहुसंख्यक जो ज्यादा संख्या में है, तो बहुसंख्यक या बहुसंख्यावाद में क्या होता है, अपनी जो सोच है वो पूरे देश के ऊपर थोप देते हैं, जो कौन होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन वहां से कौन है फिर, अल्पसंख्यक क्या रह जाते हैं, उनको अपने अधिकार नहीं मिल पाते। तो ये बात याद रखना कि एक ऐसी संरचना जिसमें बहुसंख्यक लोग देश पर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है, और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहां पर हुई, श्रीलंका में, ठीक है। बहुसंख्यकवाद कहां आया, श्रीलंका में आया। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं, ग्रह युद्ध क्या होते हैं, ठीक है, जब एक सरकार विरोधी संस्था अपने हितों के लिए लड़े
अपने हितों के लिए लड़े और वह युद्ध का रूप ले ले, वह युद्ध का रूप ले ले, तो उस स्थिति को या उस तो उस स्थिति को ग्रह युद्ध का नाम दिया जाएगा। ग्रह युद्ध का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखें इस चीज को भी, जब क्या है, सरकार विरोधी संस्थाएं अपने हितों के लिए लड़ती हैं सरकार से, और धीरे धीरे वो लड़ाई जो है लड़ें और वह युद्ध का रूप ले ले, और जो लड़ाई है वो किसका रूप ले ले, युद्ध का रूप ले ले, तो उस स्थिति को ही क्या नाम दिया जाता है, गृह युद्ध। मतलब अपने देश के अंदर ही अंदर एक सरकार से लड़ना क्या कहलाता है, गृह युद्ध। तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छी हैं, एनसीईआरटी से बना के लिख लीजिए, समझा मैंने दी कि क्या है क्या नहीं। तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, बहुसंख्यकवाद है जिसमें बहुसंख्यक लोग अपने अधिकारों को, सरकारों अपने अधिकारों को पूरे देश पर जमा लेते हैं या अपने अधिकार पूरे देश पर ही थोप देते हैं, और दूसरा गृह युद्ध है कि जब एक सरकार विरोधी जो संस्था होती है वो लड़ती है, और वो जो लड़ाई है वो युद्ध का रूप ले ले, तो वो क्या कहलाती है, गृह युद्ध। तो इन दोनों चीजों के साथ आप इस चीज को जरूर कर लें। धन्यवाद। ठीक है भाई यार।